सो है बड़ी सब गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू पोकेमोन ट्रेनर कैनियन वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी विल कैच रेजिस्टिल, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। एंड अभी जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि इस वीडियो में हम रेजिस्टिल को कैच करने वाले हैं। एंड मेरे पास उसके चारों शार्ट्स कलेक्ट हो चुके हैं लेजेंडरी ट्रायल में से। मैंने सोचा था गार्चोम पकड़ूंगा, बट आपको पता ही है कि रैंडमली शार्ट्स मिलते हैं हमें लेजेंडरी ट्रायल में से, तो हमारी मर्जी तो वहाँ पर चलेगी नहीं। तो इसलिए अभी रेजिस्टील का कलेक्ट हो चुका है मेरे पास, एंड अभी हम उसे एंड पता नहीं कि रेजिस्टील की जो मूव है एक्सप्लोजन वो कितने लेवल पे अनलॉक होती है, बट 78 लेवल पर अनलॉक ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो अनलॉक हो गया होगा तो आई थिंक हमें मास्टर बॉल यूज़ करना पड़ेगा। और मैं मास्टर बॉल तो यूज़ करने वाला हूँ नहीं, बट थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर रेजिस्टेल के पास एक्सप्लोजन मूव होगा तो वो एक्सप्लोजन मूव करेगा और खुद तो जाएगा ही और मेरे पूरे शार्ट्स बर्बाद करके जाएगा। तो फिलहाल के लिए फिर भी चलो ट्राई करते हैं मास्टर बॉल यूज़ मैंने, क्योंकि मास्टर बॉल मैंने सेलीबी के लिए रखा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि सेलीबी के 3 शार्ट्स मेरे पास हैं, गार्चम के, जिराचिए के, एजलेफ के एंड बाकी पोकेमोन की शार्ट से 2-2 शार्ट्स हैं। तो जैसे कि देख ही सकते हो आप बेबी ट्राइंगन, मोल्ट्रेस, जैपडॉस, फिर हिटरन, ये सभी है, लेकिन बहुत सारे हैं मेरे पास शार्ट। तो अभी इसे यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि हम इसे कैच कर पाते हैं कि नहीं। एंड आई थिंक मैंने अपने टीम में अच्छे अच्छे पोकेमोन रखा होगा, तो जहाँ तक मुझे पता है बस टायरेनेटर को मैंने फिलहाल लिया है, बाकी सब मेरे पुराने पोकेमोन ही है। तो हाँ चलो ठीक है, आई थिंक होगा मेरे पास। तो वीडियो थोड़ा सा कट कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना। सो गाइस, 20 अल्ट्रा बॉल फेंके हमने और अभी एक स्टील बॉल है। तो कहते कि 20 अल्ट्रा बॉल और एक स्पेशल बॉल फेंकने से कैच रेट बहुत ही बढ़ जाता है और पकड़ में आ जाता है। तो 20 अल्ट्रा बॉल हमने फेंका और अभी स्टील बॉल है जो कि रेजिस्टील स्टील टाइप का पोकेमोन है, तो हम स्टील बॉल यूज़ करने वाले हैं। एंड देखते अभी इसमें पकड़ में आता है कि नहीं। आई डोंट श्योर कि आएगा, बट ओ फाइनली तो सच है। 20 अल्ट्रा बॉल फेंको और उसके बाद एक स्पेशल बॉल फेंको, जैसे कि फायर टाइप पोकेमोन के लिए फायर टाइप बॉल, ड्रैगन टाइप के लिए ड्रैगन टाइप, डार्क टाइप के लिए डार्क टाइप, स्टील टाइप के लिए स्टील टाइप बॉल। ठीक है, तो अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, वरना आप शॉप में से खरीद सकते हो। एंड देखो उसमें कुछ तो भी टोकन लगते हैं, अगर आप पोकेमोन रिलीज़ करते हो तो वो वाले टोकन मिल जाते हैं एंड उस टोकन से आप स्पेशल बॉल खरीद सकते हो। तो इसके पास तो नहीं था एक्सप्लोजन मूव, तो खामखा ही डर रहा था मैं। तो चलो देखते हैं कि इसके पास सच में एक्सप्लोजन मूव होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कितने लेवल पे होता है, ठीक है, अनलॉक होता है। और इसका एसएस भी चेक करेंगे हम लोग। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे होम टाउन में एंड कुछ तो क्वेस्ट कंप्लीट हुआ है। कौन सा वाला देख लेते हैं, यूज़ कैप्सूल स्टेशन 5 times। ओके, तो नेट थोड़ा सा स्लो है एंड मोबाइल भी लैग मार रहा है क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुका है। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे पीसी में रखते हैं एंड अपने रेजिस्टील को बैग में रखते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं कि इसके पास कौन कौन से मूव है एंड एक्सप्लोजन मूव है कि नहीं, या फिर खामों का डर रहा था मैं, क्योंकि बता देना जरूरी है कि अगर इसके पास एक्सप्लोजन मूव होगा तो बाकी लोगों को थोड़ा नॉलेज हो जाएगा ना कि मास्टर बॉल से पकड़ना है ऐसा कुछ। तो भी तो देख लेते इसका डिफेंस और एस डिफेंस दो को बहुत ही खतरनाक है, अटैक थोड़ा सा कम है बट बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव पोकेमोन है, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफेंसिव पोकेमोन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप लेजेंडरी हंटिंग या फिर शाइनी हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका डिफेंस इतना ज़्यादा हाई है कि इसे डिफीट करना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे बैटल में तो बहुत कम ही यूज़ पड़ेगा इसका। एंड मूव में चल के देखते एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन आता है बट उस टाइम नहीं आ रहा था, ठीक है, एंड इसको देखते हम, हमारा नसीब अच्छा था कि उस टाइम पे इसके पास एक्सप्लोजन नहीं था
और अगर होता था तो भाई साहब कसम से हम हमारा जो शार्ट से और जो मेहनत है पूरा बेकार हो जाता था। और अगर आप यूज़ करना चाहते हो इसके ऊपर मास्टर बॉल तो यूज़ कर लेना, क्योंकि अगर इसके पास एक्सप्लोजन मूव होगा उस टाइम कैच करते टाइम तो भैया मतलब कतई बैंड बजने वाला है, आपके शार्ट जो भी होंगे वो बेकार जाएंगे। अगर आपने उसे परचेस करके रखा है तो फिर तो आपके लग गए 1-2 महीने की येल। एंड अगर आपको सच में पकड़ना है तो आप मास्टर बॉल यूज़ कर लेना। एंड अगर ऐसे ही मतलब आपको भी लेजेंडरी ट्रायल ट्रायल से मिला है तो अगर नहीं करना है आपको मास्टर बॉल यूज़ तो मत करना, ठीक है। एक्सप्लोजन मूव्स तो इसको आता है एंड एक्सप्लोजन इस्तेमाल करने के बाद रेजिस्टिल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो कर लेना मास्टर बॉल। एंड बाकी देखने लायक तो कुछ है नहीं, स्टील टाइप का है। एंड स्टील टाइप का जो मतलब डिफेंस है तो नॉर्मल टाइप का आधा असर होता है एंड पॉइजन टाइप का कोई असर होता ही नहीं इस पर। एंड मतलब स्टील टाइप आप देख सकते हो कि कति ओपी है, बस 3 टाइप से वीक है एंड करीबन 18% टाइप से ये रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है, हाफ डैमेज रखता है। तो अगर आपको यूज़ करना है स्टील टाइप का कौन तो कर लेना, बस फाइटिंग टाइप रॉक टाइप और एंड फायर टाइप से बचा के रखना, क्योंकि इन सब टाइप से इसकी लग सकती है, ठीक है। तो आई थिंक गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो क्या करो भैया, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी हमें 1K सब्सक्राइबर करना है। एंड गाइस यही था बस आज का वीडियो, फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।